नमस्कार दोस्तों, बंगाल में बीजेपी के चुनावी रथ में तोड़फोड़ के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और खबर ऐसी आ रही है कि आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये 5 टीएमसी के साथ जुड़े हैं, जो वहां पर सत्ताधारी दल है तृणमूल कांग्रेस, उससे जुड़े हुए उसके कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस चुनावी रथ पर तोड़फोड़ की, उसमें लगी एलईडी टीवी भी तोड़ दी और भी ट्रक को नुकसान पहुंचाया है। बाकायदा बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज ही चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव तिथि की घोषणा की और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बिना डर के रात 11 बजे बीजेपी के कडापारा गोडाउन में घुसकर एलईडी गाड़ियां फोड़ दी, एलईडी भी खोल कर ले गए। शायद गुंडों ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है, ये लिखा है कैलाश विजयवर्गीय ने। और चुनाव आयोग ने इस हिंसा वाले दिन ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। बंगाल की 294 सीटों पर 8 चरणों में चुनाव होगा। 8 चरणों में चुनाव कराने के पीछे मकसद यही है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान हिंसा की घटनाओं पर रोक लगाई जाए, किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो, इसलिए अलग अलग चरण में लगभग 8 चरण में चुनाव करवाए जाएंगे। और उससे पहले ही आप देख ही रहे हैं बीजेपी और टीएमसी के बीच गजब की रस्साकसी चल रही है और वो अब इस कांड के बाद बढ़ गई है। फिलहाल 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। देखना होगा, पता चलेगा थोड़ी देर में कि कौन थे ये लोग और क्या इन्होंने ही तोड़फोड़ की थी, क्या इनका संबंध वाकई में तृणमूल कांग्रेस के साथ है जैसा कि दावा भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से किया जा रहा है और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये मामला तूल जरूर पकड़ेगा, इतना तो तय है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा, वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।